Hello students, today we are going to discuss the topic of noun of English grammar class 6. पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी नाउन का चैप्टर शुरू किया था, उसमें मैंने आपको नाउन को डिफाइन किया था कि एक्चुअल में नाउन होता क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी प्लेस का नाम या फिर किसी थिंग का नाम आ जाए तो उसे नाउन कहते हैं। मैंने इसकी एग्जांपल्स भी बताई थी कि नाम महात्मा गांधी, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब हमारे नाउन हैं। साथ साथ नाउन की काइंड्स भी डिस्क्राइब की थी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन, ये 5 टाइप्स हैं। पिछले वीडियो में बच्चे आपने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी दी गई थी, होमवर्क भी दिया गया था। होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बेटे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, वस्तुवाचक या पदार्थवाचक। क्या बोल देते हैं? वस्तुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। इसका नाम ही बताता है, मटेरियल मतलब जो किसी चीज़ के बारे में बताता है, नाम ही बता रहा है इसका। तो मटेरियल नाउन क्या हो गया? इज़ द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस, चीज़ का नाम, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे कोई चीज़ बनी है। जैसे कोई चीज़ ब्रिक, ईंटें हैं, वो किसकी बनती हैं? ब्रिक जो है, ईंट जो है, वो किसकी बनती है? मिट्टी की बनती है। या फिर घर जो है वो किसका बनता है? स्टोन का बनता है। स्टोन क्या आ गया? थिंग आ गई। इसी तरह से डोर किसका बनता है? वुड का। वुड क्या आ गया हमारा? थिंग आ गई। पेपर, सीमेंट, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। अगर इसको इसकी एक्सरसाइज देखी जाए तो माय कोट इज़ मेड ऑफ सिल्क, मेरा कोट सिल्क का बना है। अब कोट किसका बना है? सिल्क का। तो हमारा मटेरियल नाउन क्या आ गया? सिल्क। तो आंसर क्या आएगा? सिल्क। नेक्स्ट आ जाता है हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, कि उसकी जो रिंग है वो किसकी बनी है? गोल्ड की बनी है। रिंग किसकी बनी है? गोल्ड की। मटेरियल नाउन कौन सा आ रहा है? गोल्ड। मटेरियल नाउन कौन सा आ रहा है? गोल्ड। नेक्स्ट आ जाता है अवर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, आवर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, घर किसका बना है? स्टोन का, पत्थर का। तो ये कहा क्या आ जाएगा? स्टोन क्या आ जाएगा हमारा? मटीरियल नाउन। नेक्स्ट टायर्स आर मेड ऑफ रबड़, टायर किसके बने हैं? रबड़ के बने हैं। तो रबड़ क्या है हमारा? मटीरियल नाउन। माई चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर किसकी बनी है? वुड की। तो वुड क्या आ गया? मटेरियल नाउन। इसके बाद बेटे नेक्स्ट टाइप लास्ट जो है वो आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, कि क्या है ये? किसी चीज़ का नाम, किसी का नाम। वी कैन ओनली थिंक, जिसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, ना उसको हाथ लगा सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं, सिर्फ उस चीज़ के बारे में दिमाग में सोच सकते हैं, विचार रख सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अब एक वर्ड है ऑनेस्टी, मतलब क्या है? ईमानदारी। अब ईमानदारी जो उसे देखा नहीं जा सकता, या उसे हाथ नहीं लगाया जा सकता, या फिर उसे छुआ नहीं जा सकता, ना ही उसे, सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं कि एक आदमी ईमानदार है तो वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी उसकी क्वालिटी है। तो वो क्या आ गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। अगर एग्जांपल्स देखें इसकी तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक्स, मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स थी उनमें ऑपोजिट वर्ड फिल किए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, वो जो ब्लैंक्स हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी। और डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी। दोनों ही क्या आ गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आ गए हमारे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम लोग ब्यूटी देखें, सुंदरता, और उसका मीनिंग अगलीनेस, अगलीनेस का मतलब बद्दापन, ये भी क्या आ गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आ जाता है लव, लव का मतलब प्यार, प्रेम,
हेट का मतलब ग्रीनर, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ गया ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, सच, लाए, झूठ, उसका ऑपोजिट, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आ गया करेज, करेज क्या है, साहस, और डिसकरेज जो साहसी नहीं है, निरुत्साह जिसको बोल देते हैं, तो ये भी इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ब्रेवरी क्या है, बहादुरी, ब्रेवरी क्या है, बहादुरी, और उसका ऑपोजिट क्या आता है, कायरपन, क्या आ जाता है, कायरता या कायरपन, तो ये भी क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्लियर है बेटे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिस चीज़ को हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर आपका होमवर्क देखें तो मैं आप लोगों को टू एक्सरसाइजेस दे रही हूँ, टू एक्सरसाइजेस दे रही हूँ, इनको आपने कॉपीज पर नोट डाउन करना है और साथ में इनके आंसर भी खुद फाइंड आउट करने हैं। पहली एक्सरसाइज जो है उसमें क्या लिखा है, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें आपने नाउन देखने हैं, से वेदर इनमें बताना है कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये कौन सा नाउन इन सेंटेंसेस में यूज़ किया गया है। इन सेंटेंसेस में आपने उनको अंडरलाइन करते हुए मेंशन करना है। नेक्स्ट आ जाता है चूज अ सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू मैच ईच फ्रेज, ये फ्रेजेस दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड साथ में आंसर भी दिए गए, जैसे क्वाइट रूम, कहाँ पे प्रॉपर शांति होती है, क्या है क्वाइट रूम, जहाँ पे पूरी शांति हो, जहाँ पे कोई नहीं बोलता, तो उसका फ्रेज क्या आ गया, साइलेंस, साइलेंस का मतलब चुप्पी। इस तरह से आपने रिलेटेड वर्ड जो है वो फाइंड आउट करके यहाँ पर फिल करने हैं। थैंक यू।